बस चुप रहती है मेरी ही तरह। रामीन, अंदर बैठी सो गई हो क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर छोटी बहनें अपने बहनोइयों को पसंद करने लगती हैं, उन्हें अपना आइडियल बना लेती हैं, ये नॉर्मल बात है। मुझे नहीं पता नुमेर, लेकिन मैं इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इन्हें जाना होगा। पागल मत बनो, अगर तुम्हें आज ये बटन ना मिलता ना, मैं तुम्हें कभी भी ना बताता इस बात का। इट्स जस्ट अ फेज, गुजर जाएगा। रामीन जो कर रही है वो अपने बचपने में कर रही है, उसे मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन खुदा का वास्ता तुम बचपना मत दिखाओ। आप मेरा साथ देंगे? 101% दूंगा, चाहे वो बात आपको कितनी गलत ही क्यों ना लगे। अगर बात सच्ची है तो गलत नहीं हो सकती, और सच का साथ में हमेशा देता। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। कौन है बाहर? क्या बात है यार? कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता, फिलहाल तो जो मांग रहा हूं वो मिल रहा है। जब देखता हूं हमेशा प्यारे लगती हूँ। मेरे शौहर ऊपर जाग रहे हैं, मेरे करीब आए ना तो मैं शोर मचा दूंगी। आल। अब मचाओ शोर, मचाओ। इतना मत लड़ो मुझसे रामी, थक जाओगी, हार जाओगी, और फिर आखिर में तुम्हें मेरे पास ही आना है। कितना इंतजार है मुझे उस दिन का। जैसी मेरी इज्जत है वैसी आपकी भी इज्जत है। मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दूं। रामीन, सब ठीक है? आज़र, प्लीज मेरी मदद करें आकर, ग्लास टूट गया है। बहुत पछताओगी तुम, देख लूंगा मैं तुम्हें। क्या वो ग्लास तोड़ दिया? इतना डर गई? अब नहीं डरूंगी। Really? देख, आपने कहा था ना कि आप मेरे साथ हैं, सबसे बढ़ के अल्लाह मेरे साथ है, डर किस बात का? चल देखिए, बहुत दिन हो गए कराची से फोन नहीं आया। आया था ना, लेकिन मैं ही तुम्हें बताना भूल गई। अच्छा, किसका फोन आया था? क्या रामीन का फोन आया था? हाँ, कह रही थी कि अम्मी से कहिएगा सारे मसले हल हो गए। सारे मसले हल हो गए? हाँ, शायद वो और उसका मियाँ कहीं बाहर घूमने जा रहे। कहाँ जा रहे? इतना नहीं पूछा मैंने। मैं रामीन से फोन करके पूछती हूँ। अरे सुनो, बात सुनो तुम मेरी, अब छोड़ दो उनका पीछा। अरे वो बच्ची नहीं है, वो खुद कह रही थी कि अम्मी से कहिएगा अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ और अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ। मेरी रामीन ऐसा नहीं कह सकती। लो, मुझसे तो यही बोला है। क्या पता उसके शोहर और मनाल ने उसको समझाया हो। वैसे मुझे शुरू से ही लग रहा है कि मसले रामीन के होंगे, और तुम असल बात छुपा के मनाल का नाम ले रही हो। क्या बात है, शोहर उसे तंग कर रहा है? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी है, उसने मुझसे कहा था कि अम्मी से कहिएगा कि परेशान होकर कराची आने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से यहाँ महीने दो महीने रहकर अपने घर का मसला हल कर सकती हो। अच्छा, मैं रामीन से बात करती हूँ। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है भाई, तुम्हें तो मेरी बात पे भरोसा नहीं है, तुम तो मुझे झूठी समझती हो। करो बात,
अपनी बेटी से, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि माँ बेटी के बीच में आऊँ। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि। अरे सोचो नहीं, समझो। अगर बच्चियाँ ये कह रही हैं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है तो नहीं है, वो चारों मजे कर रहे हैं तो करने दो, तुम बीच में रंग में भंग क्यों डाल रही हो। उसने आपसे खुद कहा कि उसके सारे मसले हल हो गए, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? खुद बात करके पूछ लो, अगर यकीन नहीं है तो। नहीं भाभी यकीन आ रहा है, लेकिन। फिर वही लेकिन, जाओ जाके फोन कर लो और पूछ लो। जब से शादी होकर आई हो तुम यही करती आई हो मेरे साथ। भाभी आप नाराज ना हो। नहीं नहीं, तुम अपनी जायदाद का काम भी खुद ही संभालो, कल को उसमें भी तुम हमें झूठा बना दोगी। ऐसी बात नहीं है भाभी। नहीं भाई बहुत हो गया, मैं तुम्हारे भाई साहब से बात करती हूँ बस। बात तो सुने भाभी आप। सुना है कल भी तुमसे डर के मारे ग्लास टूट गया था। जी आपसे किसने कहा? आजर ने। और कौन था वहां पर? क्या बात है, बहुत उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, कोई बात नहीं है? नहीं कोई बात नहीं है, बस बहुत दुख होता है। कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं वो कैसे दे दूं जिसमें मेरी जान। आपसे किसी ने कुछ मांगा है क्या? नहीं, छीनने की कोशिश की है। बहुत दुख हुआ मुझे रानी, बहुत ज्यादा। किसने क्या छीनने की कोशिश की? कुछ नहीं। आप ही, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं नहीं डरूंगी। यानी नुमैर को बदनाम करने का इरादा खत्म हो गया तुम्हारा? मैं तो उनको बदनाम नहीं कर रही। सबके सामने जता के कि तुम उनसे डरती हो, उन्हें अवॉइड करती हो, तुम यही साबित करना चाहती थी ना कि तुम उनके साथ महफूज नहीं हो। अभी प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या है रामी? मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं अब नहीं डरूंगी, क्योंकि आजा मेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अगर मैं सही हूँ तो वो मेरा साथ जरूर देगा। और अगर तुम गलत हुई तो? नहीं होंगी आपी, हमेशा सही बात करूँगी। पता है आपी, अगर कोई एतबार करने वाला साथी मिल जाए ना तो इंसान बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर सकता है। तुम आजर के साथ हो? मैं आपको ये कह रही हूँ कि आजर मेरे साथ है। तुम उसे छोड़ोगी तो नहीं? कभी भी नहीं आपी, ऐसे शोहर के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हो? तुम सच कह रही हो ना? जी आपी, मैं सच कह रही हूँ। आपी आपको लग रहा था कि खुदा ना खास्ता मैं ऐसा मर के भी नहीं सोच सकती, ऐसा शोहर तो खुशनसीब लोगों को मिलता है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आजर को मेरे लिए चुना। रामीन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये कहकर तुमने मुझे कितनी बड़ी टेंशन में से निकाला है। क्या खाओगी तुम? तुम्हारे लिए आलू कीमा बनाऊं? बना दीजिए, शौक से खाऊंगी। अरे आप गए नहीं? बस जा ही रहा। साथ हो, I'm sick of these stupid people. हेलो ताई जी, नुमैर बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? ताई जी कैसे हैं और मेरी सास साहिबा कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, एक दूसरे के साथ दिल लग गया हमारा। अच्छा दिल लग गया उनका, मैं तो समझा बेटियों को याद कर रही होंगी। अरे बेटा, जिसके पास तुम्हारे जैसा दामाद हो उसे बेटियों की फिक्र नहीं रहती, वो आराम से रहती है। हमने तो खामखा मेरी तारीफ कर दी। अरे बेटा मैं तो तुम्हारी हर वक्त तारीफ करती रहती हूँ,
अरे बहुत खुश किस्मत है वो जिसे तुम जैसा दामाद मिला है। जरा नवाजी आप, बात तो कराई मेरी आंटी से, पता तो करूँ कब तक रहेंगी पिंडी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात नहीं करा सकती, वो अपनी पुरानी सहेली से मिलने के लिए गई है। वैसे वो कह रही थी कि महीना भर तो रहेगी। महीना भर? फिर तो मुझे खर्चा पानी भिजवाना चाहिए ना। अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है। नहीं नहीं आंटी, जब तक अंकल जिंदा थे और बात थी, लेकिन अब आंटी की पूरी जिम्मेदारी थी। मैं नहीं चाहता कि उनको या आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ। अच्छा मेरा एक भांजा रहता है कराची में, तुम उसे क्यों नहीं दे देते, वो भी एक दो दिन में आने वाला है। अरे वाह, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। बस मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं पहुँचा दूँगा। और प्लीज किसी को बताइएगा मत, मैं नहीं चाहता खामखा बात को बतेंगे। अरे नहीं बेटा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो तुम्हारी और मेरी आपस की बात है, मैं किसी को क्यों बताऊंगी, मैं पागल थोड़ी हूँ। मैं मुझे तो नफीसा के आने की बहुत खुशी है, इतने सालों के बाद तो मौका मिला एक साथ रहने का। मैं तो सोच रही थी कि उसे 6 महीने यहाँ से जाने ना दूँ। 6 महीने? फिर तो मुझे और आपको मिलकर उनका खर्चा उठाना पड़ेगा, इतना तो मैं अकेले नहीं कर सकता। अच्छा नहीं कर सकते, चलो फिर महीना ही सही। भाई मेरा तो दिल चाह रहा था कि हम मरी घूम आते, बहुत अरसा हो गया वहाँ गए हुए, हालांकि रहते पिंडी में। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा तो बहुत दिल ललचा रहा है। हेलो हेलो, क्या हो गया? हेलो हाजिर, साइड पे नहीं गए? जी बस मैं जा रहा था। तो मैं साइड पे रोज जाना है और टाइम पर जाना है। ओके जी, गुड। हाजिर, बात सुन, तुम अपनी गाड़ी बदल क्यों नहीं लेते? मैं भाई अभी तो दी थी आपने गाड़ी, क्या जरूरत? तो पुरानी हो गई ना, नहीं ले लो, मेरे दोस्त का शोरूम। मैं भाई मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, पहले ही आपका इतना कर्जा वापस देने वाला। तो तुम गैरों वाली बातें शुरू कर देते हो, होता रहेगा कर्जा का, क्या फर्क पड़ता है? देखो डील अच्छी मिल रही है, पुरानी बेच दो, 8-1 में निकल जाएगी, नहीं 20-22 में मिल जाएगी, मतलब 12 लाख रुपए का डिफरेंस। नहीं ना मैं भाई, अच्छा आइडिया नहीं है। हाजिर मियाँ, बड़ा आदमी बनना है ना तो अपनी सोच की जरा बड़ी कर। मैं भी इसमें मसला ये है कि मैं पैसे से कटा रहा हूँ। पूरी दुनिया क्रेडिट कार्ड पे चल रही है, बैंकिंग का सारा सिस्टम लोन पे चल रहा है और तुम लोन से डरते हो। मेरा सारा बिजनेस देखो, ये भी लोन पे चल रहा है। तुम असल में बुजदिल। बुजदिल नहीं हूँ, आपकी गलत फहमी है, मैं बस सेफ्टी पे बिलीव करता हूँ। और अब्बा क्या करते थे? चाचा जान जो है ना, वो पुराने जमाने के आदमी हैं, उनकी सोच पुरानी है। देखो लोन को एज लोन नहीं बल्कि एज ए चैलेंज लिया जाता है। जिस तरह आप अपना टारगेट यहाँ से उठा के यहाँ रख लेते हैं ना, लोन को भी आप अपने सामने एज ए चैलेंज रखते हैं, ये आपको आगे बढ़ने में मदद देता है। और अगर इंसान लोन वापस ना दे सके तो? ऐसी बातें वो करता है जिसके पीछे कोई हो ना। तुम्हारे पीछे तो मैं हूँ ना, फिर क्या प्रॉब्लम? मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन? तुम्हें और नुसरत आप ही कोई अपना समझता हूँ ना मैं। चलो मैं शुरू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं भाई, इतना कौन पड़ता है किसी के पीछे। अच्छा चलो लंच में जाके गाड़ी देखाएंगे, पसंद आई तो रख लेना, नहीं तो इट्स ओके। लेकिन अभी मैं साइड पर जा रहा था। आज छोड़ो कल चलिए। जी, तुम्हारी अम्मी से कोई बात हुई है? कुछ बताया उन्हें कब आ रही है? नहीं, जब भी फोन किया ताई ने उठाया फोन। मेरे साथ भी यही हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। ऐसा तो नहीं है कि ताई जानबूझ के अम्मी से बात नहीं करवा रही हमारी? वो ऐसा क्यों करेंगी? पता नहीं, मुझे तो बार बार यही कह रही थी कि अम्मी वहाँ खुश है, यहाँ आना नहीं चाहती। अम्मी ऐसी तो नहीं है। तुम अम्मी को नहीं जानती, अम्मी को अच्छा खासा शौक है घूमने फिरने का, वो तो अब्बा की सेहत की वजह से बस घर में बंद होकर रह गई थी। मैं तो ताई से कह दिया है कि अगर वहाँ खुश हैं तो वहीं रहने दें। आज़र ने भी मुझसे वादा लिया है कि मैं अम्मी को ना बुलाऊं, अम्मी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। रामी अब तुम्हारी शादी हो गई है, अम्मी के बगैर रहना सीखो। मुझे ही देख लो, मेरी जैसी शादी हुई थी मैं तो बाहर चली गई थी, 5 साल के बाद साथ रहने को मिला है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि अम्मी का यहाँ आने का दिल ही नहीं चाह रहा हो। ताई गलत बोल रही हैं। रामीन तुम हमारी ताई को अच्छी तरह जानती हो, उनका तो बस नहीं चल रहा होगा कि अम्मी को पहली ट्रेन पे बिठाकर भेज दें।
लेकिन अगर वो ऐसा कह रही हैं, इसका मतलब है कि इनके आपस के ताल्लुकात बेहतर हुए होंगे और ये अम्मी के लिए अच्छी बात है। आप ही ऐसा तो नहीं है कि अम्मी किसी मुश्किल में हो? कैसी मुश्किल? पागल हो गई हो? तुम क्या सोच रही हो कि अम्मी को बांध के रखा होगा? ये कोई फिल्म चल रही है यहाँ पे। वैसे भी ताया अबू हैं वहां उनका ख्याल रखने के लिए, कोई प्रॉब्लम हुई उनके चुंगल से उन्हें छुड़ा लेंगे। मैं ताया अबू से कहती हूँ कि अब अम्मी को भेज दें यहाँ पे वापस। खबरदार, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। रामीन वो पिंडली है, उनका अपना शहर। हाँ वहां तुम उन्हें यहाँ बुलाओगी वो बोर होंगी, उनको वहां आराम से रहने दो, क्यों जोर डाल रही हो? अच्छा छोड़ो ना, दिखाओ आज शाम क्या पहन रही हो। चलो जी, टू मच फन हो गया अब, टू मच प्ले टाइम, होमवर्क कौन करेगा? चलो बुक्स निकालो अपनी, बुक्स निकालो, मैं आ रही हूं। हेलो। हाँ कहां पर हो? जरा बाहर आना, तुम्हें एक सरप्राइज देना है। अच्छा, रामीन को भी साथ ला। अच्छा आ रही हूं। वाह, कैसी है? जबरदस्त, खरीद ली? नहीं, अपने लिए तो बड़ी गाड़ी लूंगा, ये तो आजर के लिए। आजर के लिए? कमाल है भाई, मुबारक हो। कैसी लगी? अच्छी है। कैसी लगी आजर? इट्स ब्यूटीफुल भाभी, थैंक यू भाई। वेलकम। वेरी नाइस भाई। भाई टेस्ट ड्राइव होनी चाहिए। व्हाई नॉट? हाँ किया आपने? अरे घबराती क्यों? कैसे ना घबराऊं? आपने इतनी बड़ी गाड़ी ली है, कितने की ली है? कितने की ली है छोड़ो, ये बताओ खूबसूरत है ना? वो तो है, लेकिन फिर भी छोड़ो, बस गाड़ी की राइड एंजॉय करो। आपने नुमैर भाई से पैसे लिए हैं ना, आपको उनसे कर्जा नहीं लेना चाहिए था। वो मानते ही नहीं, मैं क्या करूँ? इतने प्यार से कहने लगे कि मैं उनके छोटे भाई हूँ जैसा। लेकिन कर्जा तो अपने बड़े भाई से भी नहीं लेना चाहिए आपसे। कैसी बातें कर रही हो, कर्जे पे तो पूरी दुनिया चल रही है, क्या फर्क पड़ता है? जो भी है, अब्बा कहते थे कि कर्जे से बड़ी लानत और कोई नहीं है, ये इंसान का सर दूसरे के सामने झुका देता है। मेरा सर तो वैसे ही उनके सामने झुका हुआ है, उनके एहतराम क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप तो कह रहे थे कि मैंने उनके बारे में जो कुछ भी आपसे कहा है आप मान गए। हाँ, लेकिन वो बात अपनी जगह और ये बात अपनी जगह। तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैंने तुम्हारी बात मान लिया, अच्छा नहीं लगता। आजर प्लीज, आप वो गाड़ी वापस कर दें, आपने मेरे लिए ली है ना, मुझे नहीं चाहिए। वो गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए तो नहीं लिया, अपने लिए लिया। तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ और लिया। क्या? वही जो हर लड़की का ख्वाब होता है। आज़र, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे लिए आपका प्यार ही काफी है। इसी प्यार की वजह से मैंने तुम्हारे लिए फ्लैट बुक करा लिया है। क्या, ये क्या किया आपने? हाँ, वो भाई का ही आइडिया था, कह रहे थे अच्छा मौका है, पैसे इन्वेस्ट कर दो, वैसे भी हम यहाँ रह ही रहे हैं। आज़र, ये आपने क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बंद गए, सारी जिंदगी के लिए बंद गए, अब हम कभी नहीं निकल पाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, निकलना चाहता भी कौन है? देखो रामी, उन्होंने हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया, अगर वो चाहते हमें ना बताते और ये पैसे हम लोग ऐसे ही उड़ा देते, अच्छा नहीं होगा कि कहीं इन्वेस्ट कर दिया। वो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं।
वो हमें अपना ताबे बनाना चाहते हैं। आपको बात क्यों नहीं समझ आती? मैं कैसे समझा? रामीन, तुम अब इन सब चीजों को भूल जाओ। जो हुआ सो हो गया, अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। तुम तैयार हो जाओ, आप ही को चल के गाड़ी दिखाते हैं। वैसे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कितना जानते हैं वो तुम्हें। जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जान गई हूं। या अल्लाह ताला प्लीज मेरी मदद कर, तू ही मेरी मदद करने वाला है। हाजिर कितना खुश लग रहा था ना, बस औरत को नया घर और मर्द को नई गाड़ी मिल जाए, समझो सारे अरमान पूरे हो गए। शावा तुम रामीन के साथ ठीक होगी, वरना मुझे तो डर था तुम सारी जिंदगी मेरी वजह से बात ही नहीं करोगी उससे। दिल तो यही चाह रहा था, लेकिन फिर उसे बात हुई तो इत्मीनान हो गया। आ गया उसे। कह रही थी कि इस जिंदगी में उसे आदर से बेहतर शौहर नहीं मिल सकता, बहुत चाहती है उसे, कह रही थी उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। तो मैंने कब कहा था वो उसे छोड़ देगी? मेरा, आपने खुद मुझे कहा था कि वो आप में। हाँ, मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो आज़र को छोड़ देगी। ये क्या बात कर दी आपने? क्यों, मैंने क्या कहा? यही तो हो रहा है आजकल दुनिया में। दुनिया में होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, और मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? प्लीज, मैंने नहीं सोचा, तुम्हारी बहन ने सोचा, मुझे क्यों गुनहगार कर रही हो? नहीं नुमैर, मुझे लगता है आपने जो इतनी दुनिया घूम ली है ना, इसलिए इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। आपको शर्म नहीं महसूस हुई? भाई, जो बात थी मैंने कह दी, इसमें खामखा रिएक्ट क्यों कर रही हो इतना? मैं रिएक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे सामने मेरी बेटी है। कल को इसके बारे में कोई इस तरह की बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तुम्हारा तो दिमाग खराब है, हर बात में तुम नायला को बीच में ले आती हो। नई गाड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। सच्ची बात है, मुझे गाड़ी से ज्यादा आज़र की खुशी देखकर खुशी हो रही है। मैं तो सोच रही थी कि शायद नुमैर के यहाँ उसका दिल ना लगे, लेकिन तुम दोनों तो माशाल्लाह वहाँ बहुत सेट हो गए हो। तुम खुश हो ना? तुम दोनों खुश हो ना वहाँ? अल्लाह का शुक्र है। आपको पता है आज़र ने फ्लैट भी बुक करा लिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और इन दोनों के पैसे नुमैर भाई ने दिए हैं। चलो ठीक है, लेकिन कर्जा लेना अच्छी बात तो नहीं नुसरत आपी? जवानी में लोग ऐसे ही निडर होते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं। ना नताइज की खबर ना परवाह। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको तो आज़र को समझाना चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, नुमैर से ही पैसे लिए हैं ना, घर का बच्चा है। किसी और से पैसे लिए होते तो मैं जरूर समझाती। अरे हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गई। तुम्हारी वजह से मैंने इतना एंजॉय किया है, मरी, कागान, नारान, हर जगह घूमी हूँ मैं। इतना एंजॉय किया है मैंने। और आपसे एक बात कहूँ, अगर माइंड ना करें तो? हाँ हाँ बोलो। मेरा उनसे बहुत नाजुक रिश्ता है। एक तरफ वो मेरी बहन के शौहर है, दूसरी तरफ मेरे रिश्ते के जेठ। अगर मुझे कर्जदार होना ही है तो मैं आपकी कर्जदार होना पसंद करूंगी बजाय उनके। तुम कितनी समझदार हो। मुझे खुशी है कि आज़र को तुम्हारी जैसी बीवी मिली है। मैं रजी से बात करूंगी। थैंक यू। शानी छोड़कर चली गई, किसी को पता नहीं कहां। नजमा की शादी होने वाली थी, उसे भी मेरी बातचीत बंद कर। अरे कहां जा रही हो फोन लेके? वो बहुत दिन हो गए रामीन से बात नहीं हुई, सोचे उसे फोन कर लूं। तो यहीं बैठ के बात कर लो। भाभी वो टीवी की आवाज तेज है ना, इसलिए। तो मैं बंद कर देती हूँ, ये लो। हेलो रामीन। जी अम्मी। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। वो बेटा, मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाई। आप तो आ भी नहीं पाए। हाँ वो दरअसल मैं। कोई बात नहीं अम्मी, आपका दिल लग गया है ना वहाँ पर।
अच्छी बात है अम्मी। ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरा दिल तो तुम में ही अटका हुआ है, बस मैं कल ही टिकट लेके आ जाती हूँ। देखा, औलादें इसी तरह माओं को मजबूर कर देती हैं। ला मुझे दो फोन, मैं बात करती हूँ। भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं सब समझती हूँ। लाओ तुम मुझे फोन दो। ला, मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। जब उन्हें हमारी जरूरत होती है कि हम उनके बच्चे पाले या फिर दुआ करें या फिर खानदान में कोई बड़ा मसला हो जाए तो हम उन्हें याद आ जाते हैं। मैं खुद बात करती हूँ रामिन से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ताई। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बच्चे। मैं ये कहना चाह रही थी बेटा। ताई आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, अम्मी से कहिएगा कि यहाँ मत आए, हम अपने मसले खुद हल कर लेंगे। शाबाश मेरी बेटी, कह दूंगी। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? वही जो पहले कहा था, अरे खुद भी आराम से रहो और उन्हें भी आराम से रहने दो। चलो सीधी होकर बैठो, मैं टीवी लगाने लगी हूँ। चला गया वो। यार रामीन, तुम बड़ी चलाक हो। क्यों, क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आता तुम जिससे मिलती हो उसको फेवरेट कैसे हो जाती हो। आप ही तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी, मैंने बोला पता नहीं क्या घोल के पिला दिया। मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, वो तो मुझे इतनी सारी बातें बता रही थी कि किस तरह तुमने उनको मजबूर कर दिया नुमैर भाई का कर्ज वापस करने के लिए। मैंने तो मजबूर नहीं किया था, सिर्फ रिक्वेस्ट की थी। अरे कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ। खैर उन्होंने मुझे चेक दे दिया, कल वापस कर दूंगा। उन्होंने आपको चेक दे दिया? देखो कितना प्यार करती है मेरी बहन मुझसे। वैसे आपस की बात है, नुमैर भाई भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं, वो तो बस तुम्हें नहीं पसंद। खैर कोई बात नहीं, कल दे दूंगा चेक। अभी क्यों नहीं? अभी? हाँ, कर्जा जितनी जल्दी सर से उतर जाए उतना ही अच्छा होता है। रामीन कर्जा अभी उतरा नहीं है, नुमैर भाई का तो कर्जा वापस कर देंगे लेकिन फिर आप ही का कर्जा रह जाए। जानती हूँ, पहले भी आपने मेरी वजह से ही कर्जा लिया था, लेकिन आज आपको अभी ये घर और गाड़ी का नहीं करना चाहिए था। फिर वही बात, रामीन एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, वही सेम बात। सॉरी, अब नहीं करूंगी, आप चेक वापस कर दें। मतलब तो मेरी जान नहीं छोड़ोगी ना? कभी नहीं छोड़ना, पूरी जिंदगी मेरी जान ऐसे ही पकड़ के रखा। आता हूं। आपने इतने सारे पैसे दे दिए, कमाल करते हैं आप। अगर वो वापस ना कर पाया तो? मैंने सोचा थोड़ा हेड स्टार्ट मिल जाएगा उन्हें, पैसों की टेंशन ना लो, वापस आ जाएंगे। मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही, जल्दी करो बेटा। तुम्हें समझने की जरूरत क्या है, समझने समझाने के लिए मैं हूं ना। काश रामीन भी समझ जाए, आपको अंदाजा नहीं है वो कर्जे के कितने खिलाफ है। अच्छी तरह जानता हूँ वो कितनी अगेंस्ट है और क्यों है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि कर्जा देना कितनी अच्छी बात होती है। कर्जा देना अच्छी बात होती है लेकिन लेना अच्छी बात नहीं होती। इंसान का सर जिंदगी भर झुका रहता है, गैरत शर्म सब खत्म हो जाती है। आज़र, आओ। हाँ भाई, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। गाड़ी पसंद आई घर वालों को? बहुत अच्छी। बस वो रामीन ने फ्लैट का भी बता दिया। क्योंकि तुमने रामीन को बता दिया इसलिए, मैंने मना किया था ना तुम, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं टिकती। खैर मेरा भी यही हाल है, मनाल से कुछ नहीं छुपाता। अच्छा उसे पता चल गया। जी पता नहीं अच्छा है या बुरा, क्योंकि वो चाहती है मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूं। तुम कैसे वापस करोगे, अब्बा से मंगवाओगे? जी शायद यही करना पड़ेगा। ये आपका चेक। थैंक यू सो मच नुमैर भाई। तुम अपनी बीवी के ऐसे गुलाम बन जाओगे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, वो जो कहेगी तुम करोगे, अपनी कोई अकल नहीं तुम्हारी। मुझे पता ही नहीं था कि उसने आप ही से कब बात कर ली, और बजाय इसके कि तुम उसे डांटते हैं तुम ये चेक उठाकर मेरे पास आ गए। और कितनी बेइज्जती करोगे मेरी यार,
बेइज्जती? नुमैर भाई मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। ये बेइज्जती नहीं तो और क्या है? मैंने तुम्हें अपना समझकर पैसे दिए थे, तुमने तो मुझे जलील कर दिया यार। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इस तरह गैरों की तरह बिहेव करोगे। जाओ यार, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखने, जाओ अपना काम करो यार। नहीं नुमैर भाई ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं मैं? जिस तरह तुमने मुझे हर्ट किया आज तक किसी ने नहीं किया मुझे। वो तुम्हारे अपने, मैं गैर हूं ना, मैं तो कल भी अकेला था, आज भी अकेला हूं, आगे भी अकेला ही रहूंगा। मैं परेशान ना हूं। कैसे परेशान हूं? तुम्हारी बहन मुझसे मेरा खानदान छुड़वा रही है, तुम कह रहे हो मैं परेशान हूं? मैं भाई ये रहा चेक, मैं इसे अभी फाड़ देता। कोई जरूरत नहीं फाड़ने की, अब लाए हो तो दे दो मुझे। आप मुझे वापस नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो आपको हर्ट करे। वो हमारी क्लोजनेस को समझती नहीं है। नुमैर मैं रामीन को समझाऊंगी ना। वो नहीं समझेगी। तुम प्लीज एक काम करो, कल नुसरत आपी के पास जाओ और बातों बातों में जाहिर करो कि हमारी आजर और रामीन से कोई अनबन नहीं। अनबन? वो ऐसा क्यों सोचेंगी? वो सोच सकती हैं। पहले यहाँ रहने पे मसला था, पैसों पे इतना बड़ा हंगामा खड़ा करती है। ये मेरा भाई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए। अच्छा मैं इसकी तरफ से आपको सॉरी कह रही हूँ, ठीक है? तुम क्यों सॉरी कह रही हो? तुम्हारा क्या कसूर? कल जाओ नुसरत आपी के पास, बात करो उनसे, और प्लीज रामीन को अपने साथ मत ले जाना, फिर कोई उल्टी सीधी बात कर देगी वो। ठीक है मैं नहीं ले जाऊंगी, आप बेफिक्र हो जाए। हाजिर मेरे ख्याल में अब तुम भी अपने कमरे में जाओ। जी आप लोग आराम करें। I'm sorry ना भाई। Good night. छोड़ो यार रामीन, आज तुमने मुझे जितना शर्मिंदा कराया ना, मैं सोच भी नहीं सकता था। हुआ क्या? मैं भी पागलों की तरह तुम्हारी बातों में आके चेक देने के लिए चला गया। कितना अफसोस हुआ उन्हें। आपने चेक वापस तो कर दिया ना? तुम अभी तक उसी बात पे अटकी भी हो। तुम्हें पता भी है हम कजन आपस में कितने क्लोज है, सगी बहन भाइयों से ज्यादा। मैं हर साल छुट्टियों में यहाँ पे नुमैर भाई के पास आया करता था वक्त गुजारने के लिए। नुमैर भाई मेरे बड़े भाइयों जैसे। क्या उन्होंने आपको अपने छोटे भाइयों की तरह समझा? ये कैसे सवाल है? बताइए ना आज़र, क्या अपने छोटे भाइयों की तरह आपका ख्याल रखा? रामीन बस करो, खानदान में फूट पड़ जाएगी। अल्लाह ना करे। नुमैर भाई को भी यही लगता है। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इस मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन अपनी आंखों और दिमाग को तो खुला रख सकते हैं ना। तुम कितना चुप रहती थी रामीन, अचानक इतना बोलने कैसे लगी? आपके प्यार ने ही मुझे ये हिम्मत दिलाई है। आपके कहने से मुझे एहसास हुआ है कि नीचे आप हैं और ऊपर अल्लाह, फिर मुझे किस बात का डर? मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरा इंसाफ करेगा, और देखिएगा आपको भी मुझ पे यकीन आ जाएगा। फिलहाल आप मुझे बताएं, आपने चेक वापस कर दिया ना? तुम जानना चाहती हो तो सुनो, मैंने चेक फाड़ दिया। वो रोने लगे थे यार रामी, कितना दुख पहुंचाया मैंने उन्हें, कहने लगे कि वो यहाँ बिल्कुल अकेले थे। मेरे आने से उनको एक छोटा भाई मिला और इतनी सी बात पे ताल्लुका खत्म। यार मेरा और भाभी का तो शर्मिंदगी से सर ही झुक गया। पता नहीं वो तुमसे ही बात करेंगे या नहीं करेंगे। अब तुम्हारी वैसे जा रही है मनाल भाभी आप ही से बात क्लियर करने के लिए। ठीक है हम भी चलेंगे साथ। प्लीज यार तुम मत जाना, फिर से कोई उल्टी सीधी बात करके आ जाओगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे साथ जाना है। तुम समझती क्यों नहीं हो रामी? हाँ मैं नहीं समझती, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं तुम नहीं जाओगी। ये उनका आइडिया है ना? किनका? आपके कजिन का। तुम्हारा मसला क्या है यार? तुमने तो उनका नाम ही लेना छोड़ दिया, जबकि उस रात को मैंने तुम्हें पानी लेने भेजा इसलिए था क्योंकि वो स्टडी में बैठ के काम कर रहे थे, सोचा तुम्हारे दिल से डर निकल जाएगा। लेकिन तुम तो हाथ पैर धो के उनके पीछे पड़ गई हो। वो आए थे किचन में मेरे पास। फिर कोई बात? मैंने ग्लास भी इसीलिए गिराया था ताकि आप आके देखें। अब तुम ये कहोगी कि वो कर्ज पे कर्ज भी इसीलिए दिए जा रहे हैं? हाँ वो कर्जा भी इसीलिए दे रहे हैं आपको। प्लीज बंद करो ये बकवास रामी। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ठीक है कल आप घर पे आके देख लीजिएगा। क्या देखूं? यही कि कल वो घर पे आएंगे। रामीन वो ऑफिस जाएंगे कल। और आप साइट पे है ना, उन्होंने सारा जाल ही इसीलिए बिछाया ताकि मैं घर पे अकेली रहूं। माफ करना यार, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। साबित करें।
कल आइएगा जब आप ही नहीं होंगी और प्रूव करें कि मेरी घटिया सोच है। मुझे नहीं पढ़ना इन सारे चक्रों में। क्यों, आपको डर है कहीं मैं सही ना निकलूं? क्योंकि मुझे पता है कि तुम गलत हो, इसलिए। आज़र मैं वादा करती हूँ, अगर मैं गलत हुई ना तो आइंदा कभी ये बात नहीं करूंगी। तुम्हें क्या हो गया है रामीन? मैं वहमी हूँ ना, तो कल आके मेरे वहम का इलाज कर दें आप। रामीन, भाभी क्या सोचेंगी? वो क्या सोचेंगी उनके बारे में बाद में सोचेगा, पहले मुझे आपको ये बताना है कि मैं सच बोल रही हूँ। मुझसे वादा करें कि आप कल घर पे आएंगे तो मैं घर में रहूंगी, वरना मैं कहीं चली जाऊंगी। कहाँ चली जाओगी? कहीं भी, जब तक आप ही नहीं आएंगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आज़र प्लीज आप मुझसे वादा करें आप कल घर पे आएंगे। आऊंगा। नुसरत आप ही को समझा देना प्लीज। बेफिक्र रहिए, मैं समझा लूंगी, बस रामीन मुझे जाने दे, कहीं इंसिस्ट ना कर पड़े कि मैं भी साथ चलूंगी, अकेले नहीं रहना चाहती ना। देख लो, मेरा तो ख्याल है तुम्हें उसे नहीं ले जाना चाहिए सर, आगे तुम्हारी मुझसे, चलता हूँ। नुमैर, आई लव यू। आई लव यू टू। मुश्ताक, जैसे आप ही चली जाएंगी आप आ जाइएगा। लेकिन रामीन, मैं इतनी देर बैठूंगा कहाँ पे? किसी भी कॉफी शॉप पर बैठ जाइएगा, लेकिन प्लीज साइड के ऑफिस मत जाइएगा। आप आ रहे हैं ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे वहम का परमानेंट इलाज करने के लिए। और अगर मेरी बात सच निकली तो? आपने कहा था बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए आप मेरा साथ देंगे, देंगे ना? लेकिन रामीन, इसके बाद? आज़र, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस आप आ जाइएगा। मैं नुसरत आबा की तरफ जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तुम्हें तो आज़र ने बता दिया होगा ना? जी। परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम आराम से दरवाजा बंद करके बैठ जाना। जी। मैं जानती हूँ तुम्हारा भी दिल चाह रहा है जाने को, लेकिन आज जरा मुश्किल हो जाएगी, तुम्हें कल ले चलूंगी। रामी, तुमसे कुछ कह रही हूं मैं। जी, मैं रह लूंगी। देखो रामीन, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनजाने में ना दूसरों के साथ ज्यादती कर जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, लेकिन तुम थोड़ा ओवर हो रही हो, इतना मत करो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी या इस खानदान के आपस के ताल्लुकात खराब होने लगे, ठीक है? जी। तो फिर रह लोगी ना, परेशान तो नहीं होगी? नहीं। थोड़ी सी देर की तो बात है, चलो निकलते हैं। निकलो, आ जा, कुंडी लगा लो। चुप रहती है मेरी।